जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, पिछले 5-7 दिनों में अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अटेस्टेशन फॉर्म है वो चाहिए होता है ज्वाइनिंग के समय में, पुलिस वेरिफिकेशन होता है एक प्रकार का। तो अधिकारियों ने संज्ञान में ले लिया है, कल तक आपका SSO ID पे अपडेट हो जाएगा, उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म है वो नहीं चाहिएगा। अटेस्टेशन फॉर्म में स्टार लगा के आ रहा था कि ये लगाना जरूरी है, और वो हम अपलोड भी कर रहे थे। अपलोड करने के बाद में जब हम फाइनल प्रिंट निकाल रहे थे, तो आप सबने देखा होगा कि जो अपना अटेस्टेशन जो फॉर्म है वो क्या आ रहा था, खाली आ रहा था, बिना भरे हुए आ रहा था। तो उसका मतलब हमें तब भी समझ जाना चाहिए था कि अटेस्टेशन फॉर्म की आवश्यकता है वो अभी नहीं थी, वो चाहिए होता है एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपके नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें से रहने वाला है, तो वो चाहिए आपको ज्वाइनिंग के समय में। अभी उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स से, कुछ अधिकारियों की वजह से, वो क्या है कि SSO ID में वो अपडेट आ गया, इस वजह से हमें अपलोड करना पड़ रहा था। तो जिसने कर दिया उनको कोई चिंता करने की बात नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप सबने अपडेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्वाइनिंग टाइम में दोबारा देना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो आपका खाली आ गया, वो हटा देंगे रिकॉर्ड आपका, ठीक है। और जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया, उनके लिए कल के बाद में अटेस्टेशन फॉर्म वाला जो एक कॉलम है ना, वो पूरा का पूरा क्या है, आपका हट जाएगा, वो जरूरी नहीं है। बाकी किसी को भी स्क्रूटनी फॉर्म में अगर गलतियां हुई हैं, तो वो भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आपका फॉर्म जो भी फिलअप हो गया, जो गलतियाँ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक शपथ पत्र लगेगा, जो आपका दस्तावेज सत्यापन के समय आपसे ले लेंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको लेकर मैं बार बार कहता भी रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप देख रहे हो, हर जगह से आप देख रहे हो, उसकी तुलना में आप शांत रह करके और आराम से सही चीज़ें आने का इंतज़ार किया करो, उसके बाद में ही आप कोई काम है वो आगे किया करो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की गलतियाँ हो रही है, जो मैंने 21-22 को मैंने बोला था कि आप 4-5 दिन का इंतजार कर लो, सारी चीजें साफ होने दो, उसके बाद में हम फॉर्म फिल करेंगे। जो लोग मेरे से लगातार जुड़े रहे, उन्होंने गलतियां की भी नहीं है, क्योंकि उनको मैं रोकता रहा हूं हमेशा से कि आपको रुकना है एक बार। तो अब आराम से फॉर्म फिलअप करना है, कल के बाद, कल शुरू कर लेना अपना फॉर्म फिलअप करना। जिन्होंने कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी अटेस्टेशन दोबारा से वो मांगेंगे ऑफलाइन के टाइम, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम। इससे पहले अटेस्टेशन फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। और आपने देखा भी होगा प्रिंट निकाल के कि आपने अटेस्टेशन फॉर्म लगाया, फिर भी अटेस्टेशन फॉर्म की क्या आ रहा है, एक प्रिंट आ रहा है जो कि ब्लैंक आ रहा है, जो आपको भरवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर थी कि आपको दोबारा से अटेस्टेशन फॉर्म बनवाना पड़ेगा, वो आपको ज्वाइनिंग टाइम में देना होगा। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए अब करना जरूरी नहीं होगा, और जिन्होंने कर दिया उनकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती हुई है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो, मस्त रहो, आराम से आपका दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने जो मूल जो डॉक्यूमेंट है वो आराम से तैयार करके रखो, जब भी सत्यापन होगा आप देने चले जाना। अब SSO ID के बाद में साला दर्पण भी अपलोड करवाएंगे, उसके बाद में आपका दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एक सही स्टिक न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि अपने चैनल पर न्यूज़ तभी मिलती है जब वो ऑथेंटिक हो जाते हैं, उससे पहले न्यूज नहीं डालते हैं। तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, आप अपने से छोटे बड़े जो भी आपके नजदीकी हैं उनको भी शेयर कर सकते हो चैनल, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। आशा करता हूं कि आप ये करोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।